के निर्माताओं, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के जीएस जीके विविध समसामयिक की रजनी आदि की महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पढ़ लिया है, देख लिया है, तो आगे भी बने रहिएगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आपकी सिलेक्शन से बढ़कर नहीं होगा। यहाँ पे हम सभी संभावित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। कारण ये है कि जो मैं पढ़ाऊंगा जरूरी नहीं है ये प्रश्न हूबहू आ जाए, लेकिन ये जरूर जरूरी है। इसकी जो व्याख्यात्मक हल होगी, इसके जो चारों विकल्प की व्याख्या होगी, वह आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 50 होगी, लेकिन उस 50 के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे उनमें एक विकल्प के प्रश्न के चार विकल्प को हल करेंगे, उनमें भी व्याख्या करेंगे, तो एक बार में कम से कम आपके 300 सवाल तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस आपके साथ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में चुनिए। यह इतिहास का सवाल है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जल्दी जल्दी बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करिएगा, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। चलिए देखिए, ये पहला ही प्रश्न है और आपके सामने, और आपको पहले में ही दिक्कत आ गया, और मैं उम्मीद करता हूं अभी तो रेस आपकी शुरू हुई है। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए यहां पे ध्यान देते हैं हम सभी लोग। यहां पर आपके सामने जो प्रश्न बैंक है वो ये कह रहा है कि यहां पे अगर हम सबसे पहले अमहद शाह अब्दाली का देखें, तो जो अमहद शाह अब्दाली है, जी हां ध्यान दीजिएगा, अमहद शाह अब्दाली ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई में आया था। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सबसे पहले का अनुक्रम अगर जहांगीर का शासनकाल देखा जाए, तो यहाँ पर ये 1605 से लेकर 1627 तक था। उसके बाद अगर हम मोहम्मद शाह का शासनकाल देखें, मोहम्मद शाह, क्योंकि ये दोनों मुगलियन थे, ये 1719 से लेकर यह 1748 तक था। उसके बाद अमहद शाह अब्दाली ये पानीपत की तृतीय लड़ाई में आया था, माने 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में आया था। जबकि बहादुर शाह बहादुर शाह द्वितीय, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, जफर के नाम से, यह इसका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक था। इस आधार पर जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार इस दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। सभी साथी, जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प सी। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका इतिहास से है और आपके सामने है। यहाँ पर चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सफलता असफलता के बीच एक प्रश्न का भी अंतर होता है जो एक बड़ी खाई बना देता है। तो हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने के बाद किसी व्यक्ति विशेष क्या का भला हो जाए, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, मैं एक एक करके स्पष्ट बताऊंगा। चित्रकला की मुगल शैली जो प्रारंभ हुई किया था हुमायूं ने, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ गई थी। अपने शासन में उसने मीर सैयद अली अब्दुल रसमद नामक दो फारसी चित्रकारों को सेवाएं प्राप्त की। मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई, उनसे मिलकर आगे बढ़ता जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार विजात, जिसे पूर्व का राफेल कहते हैं, जी हाँ, पूर्व का राफेल, बताइए पूर्व का राफेल, पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? जी हाँ, पूर्व का राफेल ये कहा जाता है बिहजाद को। किसे? बिहजाद को, ये चित्रकार का नाम था, उसे पूर्व का राफेल कहते हैं। काशिश कौन था? काशिश मीर सैयद था। आगे बढ़ते हैं,
एक प्रश्न मेरा आप सभी से है कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है, माने चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है। यहां पर हमने ये देखा कि उसने न्यू किसने डाली थी, स्थापना किसने किया था। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो था सिजदा को समाप्त कर दिया। देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने को भी पता होगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा किसने, शाहजहां ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, शी वालों के लिए राइट आंसर है। सभी लोग, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही, कुछ लोगों ने गलत भी बताया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर है शी, ये किस दशा में, लगभग 1636-37 की बात है, सिजदा प्रथा का अंत कर दिया, जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी। जमीन बोस की, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर जमीन बोस की प्रथा थी वो भी समाप्त कर दी गई, और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी, जो पगड़ी में तस्वीर पहनी जाती थी बादशाह की। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था, जो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए किया जा सकता था। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम प्रथा, इनके जगह क्या मतलब, सिजदा बंद कर दिया गया। सिजदा बंद करने के बाद कौन सी प्रथा चालू की गई, जरा कमेंट करके बताइएगा कि शाहजहां ने जब सिजदा प्रथा को बंद किया उसकी जगह पर कौन सी प्रथा को चालू किया। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके बताएंगे। उसकी जगह पर चहार तस्लीम प्रथा और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया था, लेकिन मनचुली बताने के बाद चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया, ठीक है, इसके स्थान पर चहार तस्लीम को लागू किया गया। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे क्लास सिलेक्शन के लिए पढ़ती, किसी नाम लेने के लिए नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, सराय नाहराय से, महदहा से, लेखिया से, चोपनी मांडो से। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताएं, बताइए चित्रकला शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, न्यू हुमायूं ने रखी थी। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, दोनों प्रश्न सही हैं। मध्य पाषाण काल में स्थल जो महदहा है, ये प्रतापगढ़ के पास उत्तर प्रदेश में है, बड़ी मात्रा में हड्डी सींग से बने हुए उपकरण मिलते हैं। उसके बाद बूचड़खाना संकुल क्षेत्र कब्रिस्तान क्षेत्र में बटा था, तो यहाँ पर भी मिलते हैं। मजदहा सराय नाहर यहाँ से भी, और दमदमा, मतलब ये तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ हड्डियों से निर्मित आभूषण मिलते हैं, हड्डी के उपकरण आभूषण मिलते हैं, और तीनों से प्राप्त हुए हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ए भी सही है और बी भी सही है, माने दोनों सही है विकल्प के हिसाब, ठीक है। उत्तर प्रदेश जीके की सारी क्लास चल चुकी है, जिसका लिंक आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यूपी स्पेशल की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, जाकर आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। अगला है, वर्ष 1903 में भारतवर्ष की, जी हाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी, यह हमने पढ़ाया हुआ है और यह यूपी स्पेशल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। अगर आपने यूपी स्पेशल क्लास मेरी पढ़ी होगी तो शायद आपको याद होगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें। देखिए, यहां पर 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में लगी थी, और उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में यह देवरिया में है। ये कहां पर है? यह देवरिया में है, ठीक है। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पण से, बीज से, तने से, मूल से।
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कपास के रेशे कहां से मिलते हैं। एकदम हलवा प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है, लेकिन जितने लोग लगातार पढ़ रहे होंगे उतने लोग प्रश्न का जवाब दे लेंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से नहीं मेहनत करने से होगा, यह बीज से मिलता है। जी हाँ, कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। तो जितने साथी लोगों ने उत्तर भी दिया उनका जवाब सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि जो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, कपास, लहसुन, अंगूर, प्याज से। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए, अगर यहाँ पे जो काली क्रांति का संबंध किससे है, देखिए पेट्रोलियम से है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ये तो इसके पहले वाली क्लास में था। नीली क्रांति मछली से है, हरित क्रांति खाद्यान्न, लाल क्रांति मांस टमाटर से भी है, पीली क्रांति तिलहन से है, लेकिन जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध प्याज से है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी है। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी न लग रही हो, अगर आपको लग रहा है मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को 10 लोगों तक पहुँचाइए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में डाल दीजिए, अपने स्टेटस पे जगह दीजिए। हाँ, झींगे से भी है। पी सी एन गुप्ता जी सदाशुक 1968 ने भारत कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो यहाँ पर देखे थे, इस प्रश्न का उत्तर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 60। आइए मैं इसके बारे में बता दूँ कैसे। देखिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने 1969 में पी सेन गुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता गलीना एक प्रबंध प्रकाशित किया था, जिसमें 4 दीर्घ, 11 बड़े और 60 लघु। इसमें कितने थे? 4 दीर्घ थे, लिख लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। 4 दीर्घ क्षेत्र में थे, 11 बड़े और 60 लघु थे। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो 4 माइक्रो, मेगा और माइक्रो, इतना डिवाइड किया गया था। अब अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागलबांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी, हीराकुंड बाद महानदी। देखिए, इसके साथ साथ भारत की भूगोल की एक 18 वीडियो की सीरीज है, अगर आपने वहाँ पे उसको पढ़ लिया होगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, या आपने इलानी भी दुर्गेश की नोट्स भी पढ़ ली होगी, तो यहाँ पे प्रश्न आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने इसको पहले ही पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, नागलबांध सतलज नदी सही है, क्लियर। फिर सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, यही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर नहीं है, ठीक है। हीराकुंड बाद महानदी पर है, इसलिए जो आपका गलत है वही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए, जिनको लग रहा है कि ये प्रश्न नहीं आते, ऐसे सवाल नहीं आते, तो इस वीडियो को में न देखकर अपना समय कीमती न गंवाएं, क्योंकि आपके सिलेक्शन में आपके सबसे बड़े समय का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए हम जब भी पढ़ाते हैं विस्तृत व्याख्या करते हैं, समय ज़्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन सिलेक्शन प्रभावित ना हो कभी। यहाँ हमें सुमेलित करना है। सागौन के वृक्ष अधिकांशतः आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मतलब ये मध्य भारत में ज़्यादा मिलते हैं सागौन। अगर देवदार की बात की जाए तो ये आपके जो हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र है, अर्थात हिमालय का जो उच्च क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र में ही आएगा, वहाँ पर पाए जाते लगभग ये 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। सुंदरी के वृक्ष सुंदर वन में मिलते हैं, इसे मैग्रो वन के नाम से भी जानते हैं, और ये डेल्टाई क्षेत्र के वन है। अगला है शिनकोना, तो जो शिनकोना है ये हिमालय के
तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। एक प्रकार से सिनकोना भूमध्य रेखीय जंगलों का भी उदाहरण है। सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन है, इसकी वृक्ष की छाल, ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन होती है, ये भी याद रखिएगा, कुनैन, इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और ये अगर देखा जाए पूरे ग्लोब पर इसका वितरण, भारत में तो यहाँ हो गया, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है। इसलिए दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता, दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पर मिलते हैं। और ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो घटती जाती है। इसका विपरीत भी सदा सत्य होगा कि ज्यों ज्यों हम ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक डाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। भारत किस क्रम पे आता है कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल में पाया जाता है। और भारत के हॉटस्पॉट जोन कितने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। अब जो हमारे पढ़ाने का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो अपना कीमती समय ना गवाएं। अगला सवाल, हुंडू प्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा नदी पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे जो हुंडू प्रपात है ये रांची के पास में है और ये सुवर्णरेखा नदी पर है। यह इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि बहुत सारे से प्रश्न होते हैं जो आपको परीक्षा में सीधे मिलते हैं। अगला सवाल, कथन। देखिए आजकल अगर आपने अभी हाल ही में कोई परीक्षा दी होगी तो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं आजकल कूट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा बहुताय में। यहां भी पूछा है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यांतर कुंडित होती है, हवा चक्रवात के केंद्रों पर अवरोहित होती है। यहां पर मैं 2 प्रश्न सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, याद रखिएगा, दो लोग जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ये ग्लोब में 0 डिग्री है जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके उत्तर को ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, माने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसा चलता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इन दोनों सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न आपके परीक्षा में सीधा पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किधर चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में किधर चलता है और प्रतिचक्रवात क्या है। और याद रहे दूसरी चीज चक्रवात से पूछा जाता है, चक्रवात की चक्षु क्या होती है। तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरा कमेंट करके बताएं कि चक्रवात की चक्षु कहाँ होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए एक ऐसी चक्रवात, मैं चक्रवात हो गया तो बीच में LP होता है, लो प्रेशर, और बाहर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है और इसलिए जो केंद्र में होता है इसे चक्रवात की चक्षु या चक्रवात की आंख कहा जाता है। जितने भी साथी को वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है 3 लाल बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और आपको, ठीक है, और आपको एकदम पूरी तरह से HD मिलेगा। अच्छा एक सवाल आ रहा है कि सर आप क्वेश्चन बहुत करते हैं। देखिए जब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपको उतना चीज़ें ज़्यादा जानकारी होगी और हर प्रश्न में आपको प्रश्न मिलेगा और सिलेक्शन के लिए हमेशा आप तैयार रहिएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है। हर टॉपिक से हम चाहते हैं जितने प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उन सभी को तैयार करा देना, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि पृष्ठीय वायु चक्रवात केंद्र के ऊपर अभ्यांतर कुंडित होती है। इसका मतलब क्या है कि चक्रवात समांतर निम्न दाब केंद्र में होते हैं जिनके चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं होती है। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, फलस्वरूप जो परिधि होती है केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि हवाएं किधर की तरफ चल रही हैं, केंद्र की तरफ, क्योंकि मैंने बताया ना ये बाहर हाई प्रेशर होता है HP और अंदर LP होता है। इस प्रकार पृष्ठीय वायु जो होती है चक्रवात के केंद्र के ऊपर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में घूमने लगती है, अभिसारित होती है और रोहित होती है। इस प्रकार हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत माने एंटी क्लाक वाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जी हाँ, घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है, माने दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। रट लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों,
ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं चक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो क्लॉकवाइज होती हैं। रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि यहां से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ चक्रवातों के नाम पूछा जाता है, वो आपको नोट्स में मैंने उपलब्ध कराया, एक बार जरूर देख लीजिएगा, लेकिन ये दोनों चीजें याद रखिएगा। दूसरी चीज ये, प्रतिचक्रवात में जो होता है ठीक इसका विपरीत होता है। प्रतिचक्रवात में एचपी मतलब हाई प्रेशर बीच में होता है, एलपी जो होता है लो प्रेशर होता है, बाहर की तरफ परिधि की तरफ होता है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट कर लें आप लोग, जल्दी आपके लिए कुछ और क्लासेज आ रही हैं, उसकी घोषणा आपको कर दी गई होंगी, और आप लोग सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, भले वीडियो को मत शेयर करिए। देखिए, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध, वाह क्या प्रश्न है, इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, निम्नलिखित देशों में कौन देशों की यह संयुक्त परियोजना है। मतलब इस प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं, सोचिए कितना गजब का सवाल है। ये मत कहिएगा सर हमको नहीं आ रहा था, कहां से गजब हो गया, ये उससे मतलब नहीं रखता, मतलब इस बात से रखता है कि आप कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यह है ब्राजील और पराग्वे, याद रखिएगा ब्राजील और पराग्वे, ये दक्षिणी, जी हाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये देश हैं। इनकी सीमा पर पराना नदी पर ब्राजील के इतेपू नामक स्थान पर निर्मित इतेपू बांध ब्राजील पर पराग्वे की एक संयुक्त परियोजना है। दूसरी बात याद रखिएगा, इक्वेडोर की राजधानी क्या है कमेंट करके बताइएगा, पेरू की राजधानी क्या है ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है, पेरू और ब्राजील की राजधानी एकदम आसान है, ब्राजील की राजधानी क्या है, क्योंकि ब्राजील में ब्राजीलिया का पठार है, जी हाँ ब्राजील में ब्राजीलिया का पठार है, और यहीं पे अमेजन का जंगल है, जी हाँ अमेजन का जंगल यहीं पर है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा सांप होता है एनाकोंडा यहीं पर मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। कोरल रीफ, ये जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, कोरल एक प्रकार का जीव है जो लगभग 2.5 इंचों तक मिलता है, जैसे ये चूना खाते हैं चूने में रहते हैं, और ये जहाँ रहते हैं लगभग ये करोड़ों की संख्या में रहते हैं, जी हाँ ये करोड़ों अरबों की संख्या में रहते हैं। जैसे जैसे ध्यान रहे आप लोग को, मधुमक्खी कभी अकेली रहती है, क्या आप लोगों ने देखा है मधुमक्खी अकेली रहती हो, जिस तरह वो झुंड में रहती है वह हजारों की संख्या में रहती है, वैसे कोरल जहां रहते हैं वो लाखों की संख्या करोड़ों की संख्या में रहते हैं, एक ऊपर ये पलते जाते हैं पनपते जाते हैं, एक पीढ़ी के ऊपर दूसरी पीढ़ी जाती है, इस प्रकार हमने और आपने देखा ये तब तक बढ़ते हैं जब तक समुद्र तल को न प्राप्त कर ले। ये पूरे पृथ्वी में अगर देखा जाए तो इनका जो विस्तार है, इनकी पूरी पृथ्वी पर अगर हम विस्तार देखें तो ये मेरा 0 डिग्री हो जाता है, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इन्हीं के बीचों में अर्थात उस कड़बंदी क्षेत्रों में ही कोरल द्वीप का विस्तार मिलता है। उसके साथ एक शर्त है कि जो सागर होगा कोरल में, कोरल को मूंगा कहा जाता है, जी हाँ कोरल को, कोरल द्वीप को मूंगा कहा जाता है, ठीक है याद रहे। ये छिछले समुद्र में पाए जाते हैं, कैसे छिछले समुद्र में पाए जाते हैं एक बात, दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, और ये जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे बहुतायत मछलियाँ पाई जाती हैं, मछलियाँ किस लिए पाई जाती हैं, आइए उसकी बातों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ये घोंघा, आप लोगों ने देखा है ये घोंघे की तरह होती हैं, एक खोल के अंदर रहती हैं, ठीक है, और जब कुछ खाने के लिए मुंह बाहर निकालती हैं तो छोटी मछलियाँ इनको खा जाती हैं, इसलिए जहाँ पर ये कोरल मिलते हैं वहाँ पे छोटी मछलियाँ बहुताएँ मिलती हैं, और जहाँ पे छोटी मछलियाँ मिलती हैं वहाँ पे बड़ी मछलियाँ आती हैं छोटे मछलियों को खाने के लिए। इस प्रकार अब ये प्रश्न उठता है, छोटी मछलियाँ यहाँ कैसे आती हैं, तो जो मादा मछलियाँ होती हैं अपने अंडों देने के लिए इसके बीच में आकर अंडे देती हैं, इसलिए कोरल के आसपास छोटी मछलियाँ मिलती हैं, उनको खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं, इस प्रकार ओवरऑल वहाँ मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, और जब मछलियाँ ज़्यादा होंगी इंसान भी बहुत पाए जाएंगे मछलियों को मारने के लिए। इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वोत्तर श्रेणी में है, बताइए उसका नाम क्या है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर है, वह पूरा कोरल पर ही बसा देश है, केंद्रशासित प्रदेश है, और कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरह से कोरल पर बसा है। दूसरा मेरा सवाल ये है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो ज़्यादा तो नहीं समझा दे रहे हैं क्या, जाने दीजिए। अब प्रश्न नंबर 14 का क्या होगा, ये कोरल रीफ जीवाश्म पट्टी कर्क और मकर रेखा के मध्य में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यह बी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति की पट्टी ऑस्ट्रेलिया की पूर्वोत्तर श्रेणी में, उसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जिसको क्लीन नहीं दिख रहा है वह यहाँ पे 3 दार बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले,
इससे अगर आसान, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन दिलाना और मैं हमेशा आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन क्या है, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का ही जवाब नहीं देना है बल्कि आपको ये बताना है किसका संबंध IUCN, इसका हेडक्वार्टर क्या है, कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन नेचर इसका फुल फॉर्म होगा, जी हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ इसका सही जवाब होगा IUCN, जी हाँ इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका सही जवाब होगा, इसका फुल फॉर्म होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, कहें इससे बेहतर अगर मैंने कहा, अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है नहीं वास्तव में बेहतर पढ़ा रहा हूं, तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, उनको बता के ये क्लास की टाइमिंग, जिस दिन परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे सरकारी शिक्षक परीक्षा पेपर देकर, यकीन मानिए आपको जरूर भरोसा होगा कि आपने सही फैसला लिया था, लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास को पढ़ा था। कौन सी ड्रग गिद्धों के समिष्ट हरास के लिए उत्तरदायी है, मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है, गिद्धों की आंत में गुर्दे में समस्या आ रही है, एक दर्द निवारक दवा जो पशुओं को दी जाती है और उसकी वजह से पशु खा के जब मर जाते हैं, उन पशुओं के मरे हुए पशुओं गिद्ध को खाने के बाद उनके गर्दे उनके आंत खराब होने से गिद्धों की संख्या लगातार कमी होती जा रही है। और इस प्रकार जी हाँ डाइक्लोफेनिक सोडियम, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सी इसका सही जवाब है, डिक्लोफेनिक सोडियम पशु मर जाता है और फिर धीरे धीरे 30 दिन के अंदर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक बात और आपको प्रश्न पूछा था मैंने, डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है और यह भी विलुप्त तो हो रहा है, लेकिन इसका एक कारण है, ये एक फल खाता था, वो फल जो पेड़ देता था वो पेड़ ही विलुप्त हो रहा है, इसकी वजह से डोडो पक्षी भी विलुप्त हो रहा है। मेरा आपसे सवाल है, मेरे उन सभी सरकारी शिक्षक बनने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं से सवाल है, वह कौन सा फल डोडो खाता था और डोडो किस देश का पक्षी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। भारत में गिद्ध है लेकिन गिद्ध की भांति और किसका जीवन संकट में है और वह किस देश का है, कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, अगला वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण, वेटलैंड जिसे वेटलैंड के में सीधे से मतलब है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, आर्द्र दिवस, तो ये सीधा सीधा आपको पता होगा, ये 2 फरवरी को, एक प्रश्न आपका यहां से तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबका कि नहीं कॉन्सेप्ट, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे देखते हैं, इसके बारे में और ध्यान से देखना है और आपको बताना है, यह रामसर विषय हस्ताक्षरकर्ता जिसो द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है, यह क्या है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव की बेहतर नीतियों का परीक्षण करने के लिए दिया गया, निम्नलिखित कूट का सही कथन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी, एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमि उसके संसाधनों को बनाए रखने और पुनः स्थापित करने के लिए कार्य करता है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों को प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है, मतलब जहाँ से ज्ञान मिल जाता है कि उसका उपयोग अन्य जगह भी किया जाता है। साथ ही संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने, अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद भी करता है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी केवल 2 इसका सही है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, इस देश के निर्माता हो, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पृथ्वी के वैश्विक तापक्रम का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। एक लाइन में अगर इससे हम लोग जाने कि ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट डू यू मीन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का वैश्विक तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो जी हाँ, आप लोग को इस प्रश्न का जवाब देना है कि सार्वभौमिक संपर्क से बेहतर होगा, क्या क्या होगा, इसको भूमंडलीय ताप का बढ़ना भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक संपर्क से बेहतर होगा, जी नहीं, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है। जब देखिए, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, देखिए सभी लोग यहाँ पर हमने देखा, सभी के कमेंट पढ़ रहे हैं लेकिन जो प्रश्न से संबंधित सवाल के जवाब ही दे पाएंगे, बाकी के बाहर के सवाल के जवाब नहीं देंगे। हिमनदी माने जब बर्फ गलेगी, अर्थात समझिए जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, पिघलेगी कि नहीं, सही बात, समय से पूर्व आम और बौर आने लगे। देखिए जब तापमान बढ़ने लगेगा, पृथ्वी की वैश्विक तापक्रम बढ़ने लगेगी, तो कहते हैं ना कि फरवरी में ही दिखने लगता है मई जैसा महीना, तो आम में बौर भी आने लगेंगे, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठंडा कम पड़ेगी, समय से पहले समय से ज़्यादा तक गर्मी पड़ेगी, तो भैया
स्वास्थ्य पर खूब प्रभाव पड़ेगा। माने यहाँ पर हमने देखा कि 2, 3, 4 सही है। इस प्रकार आप बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी होगा। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है उन सभी के जवाब सही हैं। इसके अतिरिक्त भी विकल्प दे सकता है, लेकिन एक एवरग्रीन टॉपिक है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ये पर्यावरण का सवाल है। क्लियर हो रहा है सबके कॉन्सेप्ट? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? बताइए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उतने लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक तक नहीं किया है। मतलब इस बात से तो स्पष्ट होता है कि मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? पहली बात तो राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। ये मैं लगातार आपको पढ़ाते आ रहा हूं, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। एक सवाल का उत्तर तो आपको मिल गया, अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। बताइए फटाफट कमेंट करके सभी साथी। देखिए, पहली बात, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। सही बात, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 1/3 सदस्यों के कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, 30 वर्ष। अब आप हमें ये बताइए कि इसमें से कितने लोग का जवाब सही था? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। भैया जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, देखिए कमेंट का जवाब वो सभी साथी दे दिया करें जो लगातार वीडियो को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो अन्य लोगों को दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए 3 डॉट बिंदु है, उस पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे तो साफ और HD आएगा। यहाँ पे हमने देखा 1 और 3 सही है, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सी सही है। आजकल ऐसे कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसान सा प्रश्न है अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी मजेदार प्रश्न है। संसद निहारता निवारण अधिनियम 1959 के कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहारता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। अब आपको सही कथन का बताना है। देखिए, संसद 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद के सदस्यों के लिए निर्हरता से छूट प्रदान की है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये सही है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया जा चुका है। देखिए 5 बार, देखिए पहली बार 1993 में किया गया था, 6 साल बाद 1999 में किया गया था, फिर 1 साल के तुरंत बाद 2000 में किया गया था, फिर 2009 में किया गया था, अभी 2003 में किया गया था। मतलब ये भी आपका सही है। लाभ का पद भारत के संविधान ने भली भांति परिभाषित है, तो भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस शब्द को उल्लेख अनुच्छेदों में अलग अलग दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर 1 और 2 केवल सही होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए वालों का सही जवाब है। माने जितने इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर ए सही है। ए वालों के राइट सही है। अगला सवाल आपके सामने है। देखिए ये दोनों सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है 21, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? यहाँ पे 4 प्रकार के अनुच्छेद दिए हैं। इन चारों अनुच्छेद के बारे में वैसे तो आपको बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समय कम है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 क्या है? संसद सदनों के तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? एक बात, जिस समय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था उस समय कितने जज माने कितने न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने कुल कितने न्यायाधीश थे जिस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? याद रहे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के लागू होने के 2 दिन के बाद, अच्छा पूर्ण लागू होने के बाद अर्थात 28 जनवरी 1950 को। माने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा जो करेंट की सीरीज है, करेंट की जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और उसकी जो स्पेशल क्लास है उसकी टाइम आपको दे दी गई है, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने इस सीरीज को हमारी पढ़ा होगा, खासकर भारतीय संविधान को, वहाँ पे मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, सर्वोच्च न्यायालय लगभग 3 घंटे मैंने पढ़ाया है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कहाँ पर? तो ये अनुच्छेद 127 में है, ये वैसे मैंने रटाया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तब। यहाँ पे इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत है। तो बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और मतलब ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जजों की कमी होने पर उन्हें बुलाया जाता है, ऐसे को हम तदर्थ न्यायाधीश की संज्ञा देते हैं। चलिए अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख भी रहा होगा सवाल, कह रहा है अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, ठीक। अगला कह रहा है, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह पर ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। अब यहाँ पे ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और किस प्रकार से सही है। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें। देखिए यहाँ पर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है, घुसता है, तो जो वायु के कण होते हैं लड़ने लगते हैं, टकराने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, घर्षण, अंतरिक्ष यान की सतह पर तापमान बढ़ जाता है, और चारों ओर जो वायु होती है आयनित हो जाती है, रेडियो सिग्नल बाधित कर भू स्टेशन से अंतरिक्ष यान के संपर्क प्रभावित करती है। इस प्रकार इसका कथन और कारण दोनों सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, ए वालों का राइट आंसर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट सबके? किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीन है और एक नहीं है, तो बताइए कमेंट करके कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी देखिए यहां पर जो प्रश्न गलत है मैं बता दूं आपको, जैसे ये हमारा हो गया भारत, मान लेते हैं ये हमारा भारत हो गया, काम चलाऊं, ये हमारा भारत है। इस भारत में देखिए यहाँ पर ये हमारा है तमिलनाडु, क्या है आपका, ये तमिलनाडु, यहाँ पे लगभग ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये दोनों सीमाएं जहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर एक पुलिकट झील है, कौन सी झील है, पुलिकट झील है। इसी झील के ठीक सामने एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो क्या है, वो इसरो का लॉन्चिंग पैड है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है, तो यहां पर जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर ये कहां पर, ये बंगलुरु में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। श्रीहरिकोटा में नहीं है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर, मंगलुरु में, ये इसका लॉन्चिंग पैड है। श्रीहरिकोटा क्या है, लॉन्चिंग पैड है, इसलिए यह आपका गलत है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद सही, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद सही, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये सही है। मतलब यहाँ पर जो गलत है कि इसरो श्रीहरिकोटा में, जी नहीं, श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड है। क्या सबको समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी सरकारी शिक्षक इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, बताइए। देखिए मुझे भी ये समझ में आना चाहिए ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है नहीं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, ये भी ज़्यादा मायने रखता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइबेरिया स्थित है, तो जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिए कि भैया साइबेरिया कहाँ है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए साइबेरिया कहाँ है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। देखिए साइबेरिया
किस महाद्वीप में है? देखिए, दुनिया का सबसे कम तापमान कहाँ पर है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। दुनिया का सबसे कम तापमान हो सकता है साइबेरिया में ही हो, साइबेरिया में, लेकिन किस स्थान पर, यह भी आपको बताना होगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइबेरिया एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है और रशिया में है। रशिया दो देश महाद्वीप में फैला, यूरोप और एशिया, और रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है और ज्यादातर जो उसका क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप में है, और साइबेरिया भी एशिया महाद्वीप में भी है। क्लियर? चलिए, रूस की राजधानी, अभी मैंने बताया रूस का ज्यादातर जो क्षेत्रफल है वो कहां पर है, एशिया में है, लेकिन इसकी जो राजधानी है ये मॉस्को, ये कहां पर है, ये यूरोप में है, ये यूरोप में है, और रूस कहां है, ये एशिया में है। यह काफी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बता दिया, और शायद बहुत सारे लोग यहां पर जानते भी होंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत कोई सवाल हो तो यहां से पूछ ले, सवाल में सवाल पूछ सकते हैं, बाकी चीज के लिए नहीं। ऑक्सीजन की खोज की गई, साइंस का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं जवाब आप लोग ने भी दे दिया होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ पिस्टले, केवेंडिस द्वारा, लावोजियर द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। देखिए, जोसेफ पिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी, कार्ल सील स्वीडन द्वारा स्वतंत्र रूप से 1770 के दशक के आसपास। एक्रोफोबिया, किससे डरना होता है, एक्रोफोबिया, आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पर मृत्यु से डरने को क्या कहते हैं, नेक्रोफोबिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मृत्यु से डरना, इसको नेक्रोफोबिया कहते हैं, लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। नेक्रोफोबिया माने मृत्यु से डरना। अल्टोफोबिया, अल्टो फोबिया, ऊंचाई से डरना। पाइरोफोबिया, पाइरोफोबिया क्या होता है, अग्नि से डरना, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, पाइरोफोबिया, पाइरोफोबिया, किससे डरना, आग से, आग से डरना। लेकिन यहां पर दिया है एक्रोफोबिया, वायु या बंद स्थान, ये वायु से भी होता है, वायु या बंद स्थान से डरना, इसलिए इस प्रश्न का, इसको वायु से भी डरना कहते हैं, याद रहे, वायु से या बंद स्थान एक्रोफोबिया कहते हैं। देखिए, मैं चारों विकल्प की व्याख्या करने का पूर्ण प्रयास करता हूं, वायु से भी होता है, बंद स्थान, दोनों इसका उत्तर सही है, अब विकल्प में क्या हुए माने रखता है। धर्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिस्टोलॉमी, थियोलॉजी, फिलॉसफी, डिवोनोलॉजी, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इलर्निंग विद दुर्गेश के निशुल्क क्लास में जुड़कर मेरे द्वारा जो गेस्ट के रूप में आपको डेली पढ़ाया जा रहा है, तो डिवोनोलॉजी, डी वालों का जवाब सही है। ठीक, क्लियर, अगला है, अगला सवाल फिर यही आ गया आपका, धर्म के अध्ययन क्या कहते हैं, अच्छा वही हो गया। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या जाता है, पक्षियों का, कीटों का, ग्लोब वार्मिंग का, कर्क रोग का। यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में एक फिक्स एकदम आता है जो परीक्षा वाले हैं। बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, ध्यान से देखिएगा, ऑक्यूनोलॉजी के अंतर्गत कैंसर, ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, इसे हम कर्क रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम कर्क रोग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कर्क रोग के भी नाम से जानते हैं, रट लीजिएगा, कैंसर ट्यूमर को कर्क रोग कहते हैं और ऑन्कोलॉजी यही है। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, पक्षियों का अंदर किस अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा, और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों तक जुड़े रहेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और आपको जो करंट की सीरीज है, करंट की पीडीएफ आपको हाल ही में उपलब्ध कराया है, जितने लोगों ने प्राप्त कर लिया है वो लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, जिनको अभी तक नहीं मिला वो यन लिखेंगे,
मैं आगे बताऊंगा सारे करंट की सीरीज आपको कहाँ पे मिल जाएगी, और आपकी स्पेशल सीरीज हम लेकर आ रहा है उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो गई होगी। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तीन है और एक नहीं है, यही आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2, ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4, इसे मार्स गैस कहते हैं। कौन सी गैस? मार्स। सड़े गले पदार्थों में धान के खेत से जब पशु जुगाली करते हैं तब ये गैस निकलती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहां पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ओजोन गैस, जरा मेरा कमेंट करके बताइएगा ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको क्लास बेहतर लगे शेयर करिए, कम से कम 1000 लोगों तक क्लास को पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए अगला सवाल है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, ये इलनी विद्रोह के नोट्स और कक्षा 8 की विज्ञान में है, और ऊपर वाला तो पर्यावरण का सवाल है। बताइए सबसे कठोर पदार्थ किसे माना जाता है, एकदम आसान प्रश्न है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा ग्रेफाइट का कार्बन है। हीरा क्या है? ग्रेफाइट का कार्बन है, ग्रेफाइट का कार्बन हीरा है, एकदम आसान सवाल है। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। किसी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 15, कार्बन 13। ये कक्षा 6 के इतिहास लेसन 1 में है, जहाँ पे पुरातात्विक के बारे में जहाँ इतिहास जानने का स्रोत पहला लेसन जो है NCERT के उसके अंतर्गत इसमें दिया गया है। याद रहे किसी की उम्र का पता लगाने के लिए जीवाश्म हो या मृत पेड़ पौधे हो, किसी का आयु का आकलन करने के लिए कार्बन 40 का प्रयोग किया जाता है, इसे हम कहते हैं कार्बन 40, इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत जो पेड़ पौधे होते हैं प्राप्त कार्बन के दो समस्थानिक C6H12 C14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है, उम्र का पता लगाया जाता है। रट लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यह सवाल आपके लिए बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल, लाल हरी पत्ती लाल प्रकाश में कैसी लगती है, हरी पत्ती जो है वो लाल प्रकाश में कैसी लगती है, हरी लाल श्वेत काली। ये बड़ा ये बेहतरीन प्रश्न है, और लाइट का प्रश्न है, प्रकाश का प्रश्न है, कक्षा 9 के फिजिक्स का सवाल है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, हरी पत्ती को लाल प्रकाश में देखने पर यह काली नजर आती है, करिया नजर आती है ना, करिया नजर आती है, क्योंकि परावर्तित करने के लिए हरा रंग नहीं मिलता और लाल रंग को अवशोषित कर लेती है, जिस कारण यह काला नजर आती है। अच्छा, कुछ लोग को लगता होगा ये आंसर क्वेश्चन से पहले कैसे आ जाता है, उनका वीडियो पीछे चल रहा होता है, वो लैग पे चल रहा है, मतलब लैग कर जाता है, मतलब उनका नेटवर्क इशू जब होता है तो वीडियो उनके में कुछ सेकंड पहले दिखाई देता है, कुछ को कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है, तो उनको लगता होगा ये उत्तर पहले कैसे दे लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ये ऑनलाइन चल रहा है ये कुछ सेकंड के अंतराल पर होता है, वो आपके इंटरनेट की वजह से होता है। महासागरीय लहरें जल में किसकी उपस्थिति के कारण प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्षारकण, प्रकाश उत्सर्जक मछलियां, फास्फोरस, कैल्शियम। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके सभी साथी। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, महासागरीय लहरें जल में प्रकाश उत्सर्जक मछलियां की उपस्थिति के कारण प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब यहां पर इस प्रश्न का, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी सही और राइट उत्तर होगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, किसका उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफ बिंबों के रूप में किया जाता है, परावैगनी किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण, ध्वनि तरंगे। बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए अवरक्त किरण का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी के जो बिंबों के रूप में किया जाता है, अवरक्त किरण,
रोगियों की सिकाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खोज किसने की, औरक्त किरणों की खोज किसने किया था, हर्शेल ने। किसने किया था, हर्शेल ने। यह पूछा जा सकता है कि औरक्त किरणों की जो खोज है वो किसने किया था, हर्शेल ने किया था। ठीक है, रंग की आवृत्ति, देखिए सब साइंस के सवाल एक तरफ से चल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं ना, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, या ई लर्निंग पे दुर्गेश का ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है प्ले स्टोर से, किसका उपयोग अंधेरे में, अच्छे तो हो गया है। तरंग की आवृत्ति होती है, कैसी होती है बताइए, तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य में से सीधे समानुपाती होती है, अपने तरंग दैर्ध्य के समान होती है, अपने तरंग दैर्ध्य के प्रतिलोम समानुपातिक होती है, आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य से कोई संबंध नहीं होता, बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, रेडियो थेरेपी में यूज होता है। देखिए यहाँ पर सवाल का जो सही जवाब होगा, अपने तरंग दैर्ध्य से प्रतिलोम समानुपाती होती है, सी वालों के जवाब सही है। तरंग की आवृत्ति जो होती है अपने तरंग दैर्ध्य से प्रतिलोमी समानुपाती होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है सी सही है, और सभी लोगों ने लगभग सी जवाब दिया था। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा, कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोग बताइए, सभी लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ये ऑफिस का नंबर है। मेरे द्वारा क्लास निशुल्क जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से एज ए गेस्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाता है अपने बचे हुए समय में से। किसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है, बैगनी, नारंगी, हरा, लाल, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, लाल रंग में। किसमें, लाल रंग में। कैसे, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सभी लोग जितने भी वीडियो को देख, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग में होता है और सबसे कम बैगनी में। क्लियर हो गया, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम का भाग नहीं है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम का भाग नहीं है। आप जानते होंगे जब किसी प्रिज्म में से अगर कोई प्रकाश गुजारी जाती है तो 7 किरणों में डिवाइड हो जाती है, तो 7 में कौन सा होता है, हपिनाला, बैजानी। तो यहाँ पर नीला होता है, बैगनी होता है, नारंगी होता है, ठीक है, पीला, नारंगी, लाल, श्वेत, बैगनी, इंडिगो, हरा, ये सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जामुनी नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही आपका सही है। अगला सवाल, पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सी है, पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सी है। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दें। देखिए पर्वत का नाम क्या है, अगर पर्वत का नाम पूछा जाए तो अनाई मलाई है। क्या है, अनाई मलाई है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी है। क्या है, अनाई मुंडी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, मैंने लिखवाया है 2695 मीटर, और ये आपको नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा लेनी भी दुर्गेश की तो वहाँ पर भी है, और आपने इसकी वीडियो लेक्चर भी देखा है। अच्छा एक सवाल है, मैं यहाँ पे सवाल का जवाब मैं आपको देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ, जो क्लास एक एक क्लास 5-5, 6-6 घंटे की होगी, तो कितने ऐसे साथी हैं, मतलब एक विषय 6-7 घंटे में कंप्लीट। तो जितने साथी इस क्लास को चाहते हैं वो कमेंट करके यस लिखें, क्योंकि वो वीडियो केवल उन्हीं लोग के लिए होगी जो सीरियसली होकर पढ़ते हैं, जितने लोग वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा ताकि मैं उनके लिए शुरू करूं। क्लियर हुआ सबका जवाब। अगला, कच्छ का रण, कच्छ के रण के बारे में बता दें हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, अगर हम लोग और आप लोग इसके बारे में देखें तो जैसे ये हो गया हमारा, माला हमारा भारत है, काम चलाऊ, माना हमारे भारत हो गया, ठीक है। तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैप में देखेंगे यहाँ पे आपको डॉट डॉट बिंदु दिखेगा, ये दलदली क्षेत्र है, इसे हम कच्छ का रण कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्छ का रण, दलदली क्षेत्र है पूरा। कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, ठीक है।
जी हाँ, आपके भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की एक मैराथन क्लास हम लेकर आना चाह रहे हैं, जहाँ पर एक विषय को संपूर्ण समाप्त, जैसे एक दिन इतिहास समाप्त, एक दिन भूगोल समाप्त, एक दिन आपका संविधान समाप्त, एक दिन आपका विज्ञान का फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, ऐसे करके एक दिन उत्तर प्रदेश स्पेशल समाप्त, ऐसे ऐसे करके एक एक दिन में पूरा संपूर्ण एक एक टॉपिक की सीरीज लाना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग जवाब देंगे, साथ देंगे तब सभी लोग, क्योंकि आप बेहतर सपोर्ट करेंगे तो सात सात आठ आठ घंटे क्लास कंटिन्यू पढ़ाएंगे हम आपको। देखिए कचकरण कैसा है, यहाँ पर ये जानते रहिएगा, ये क्षारीय दलदल है, मतलब इस प्रश्न का ए जवाब सही है। मैंने बताया दलदली क्षेत्र है। और जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है भारत में, कमेंट करके बताइएगा, जंगली गधा अभ्यारण्य किसका है, नहीं सारे सब्जेक्ट का नहीं, जितना हमसे हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जीएस का सब्जेक्ट होते हैं मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा। परजीवी क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप लोग जितने ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और संख्या ज़्यादा होगी उतना बेहतर मैं लाऊंगा। सात घंटे की क्लास होगी कंटिन्यू लगातार, वो भी लाइव, बताइए यहाँ पर उसी का प्लान चल रहा है। एक जीवी एक कोष की जीव होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, स्तनपानियों की किस्म होती है, विषाणुओं की किस्म होती है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए, यहाँ पर होगा यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, मतलब यहाँ पर सवाल का जवाब बी होगा। देखिए यूपी स्पेशल क्लास समाप्त हो चुकी है, आपने अभी तक देखा नहीं है शायद, संपूर्ण है, फिर भी मैं उसका मैराथन लेकर आऊंगा। अगला सवाल आपके सामने है, वो सीरीज जो परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधी शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतिरोधी शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है, लुई पाश्चर, जोसेफ लिस्टर, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, चारों के बारे में आपको से मैं चाहूंगा एक एक लाइन बताइए। लुई पाश्चर के बारे में क्या, आप रोनाल्डो रॉस के बारे में, एडवर्ड जेनर, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो जोसेफ लिस्टर है। लेकिन ये चारों विकल्प आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग रट लीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आज ही कि मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल, किसकी, सिनकोना वृक्ष की छाल। मैंने आपसे पहले वादा किया था मैं जितनी टॉपिक आपको पढ़ाता हूं वो परीक्षा में पूछा जाता है, सिनकोना वृक्ष की छाल क्या है, कुनाइन है, जिससे क्या बनती है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, ये सारे परीक्षा वाले सवाल हैं। मलेरिया के जो प्लाजोडेमियम परजीवी दौरा होता है, इसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, याद रखिएगा, परीक्षा वाले सवाल हैं। निम्नलिखित में क्या रोध क्षमता विकार है, कर्क रोग, रेबीज, एड्स, बर्ड फ्लू, बताइए रोध क्षमता विकार है निम्नलिखित में से कौन, बताइए फटाफट कमेंट करके। अच्छा आज क्लास जल्दी खत्म होने वाली है, चलिए कोई बात नहीं, बताइए फटाफट कमेंट करके। यहां पर एड्स होगा, क्या होगा, एड्स, ए आई डी एस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट कर बताइए। एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है, अब एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कौन सा दिवस है, 3 दिसंबर कौन सा दिवस है, बताइए फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एचआईवी का फुल फॉर्म, एक प्रश्न आया रोग क्षमता विचार क्या होता, बताइए। देखिए एड्स रोग विकार होता है, रोग क्षमता माने इससे जो ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, याद रहे रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है किस बीमारी में, एड्स में, ठीक है, टी बनने लगता, आगे हम लोग पढ़ाएंगे इसके बारे में। अगला सवाल, कुत्ते के काटने से निम्नलिखित में से क्या होता, प्लेग, रेबीज, रुबेला, पोलियो,
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। एक डाउट क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसको भी ले लूंगा अभी। प्रश्न नंबर 40 को लेकर कमेंट आ रहा है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे कोई गलती हो गई हो। देखिए 50 प्रश्न में कभी कभार एक आध प्रश्न में गलती हो जाती है, तो लोग सीधे, यार हम भी काफ़ी दिन का पढ़े रहते हैं, पढ़ाते हैं, कभी कभी हो जाती है। देखिए ये रेबीज नामक रोग होता है। मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। देखिए मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, सहन रुग्णता होता है, फाइलेरिया नहीं हो सकता। फाइलेरिया जो है ये क्यूलेक्स से होता है, किससे होता है, याद रहे कि जो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से होता है, डेंगू अरबो वायरस मच्छर से होता है। लेकिन रुके यहाँ पे फाइलेरिया भी सही है, शयन रुग्णता होगा, बी होगा। देखिए जो शयन रुग्ण जो आपका शयन रुग्णता होता है, ये सीसी मक्खी मधुमक्खी से होता है, किससे होता है, सी होता है, इससे नींद बहुत आती है। ये कहाँ मिलते हैं, ये जो भूमध्य रेखा में उष्णकटिबंधीय वन होते हैं यहाँ पर ही मधुमक्खी पाई जाती है। जब किसी इंसान को काट लेती है तो वहाँ पर नींद जो है बहुताई आती है, ये शयन रुग्णता माने नींद आती है, बहुत नींद, इस मच्छर काटने से नींद बहुत आती है, इसे सीसी कहते हैं, टीस में साइलेंट होता है। तो जो फाइलेरिया होती है किस मच्छर से होती है, ये क्यूलेक्स मच्छर से होती है, क्यूलेक्स मच्छर से होती है, क्योंकि मुझे भी याद आ गया। और एनाफिलीज मादा मच्छर से मलेरिया होती है, डेंगू किससे होता है, अरबो वायरस मच्छर से होता है। डेंगू जो होता है ये पूछा जा सकता है अरबो, क्योंकि इसमें फैल रहा है कहर इसका है, वायरस मच्छर से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत में शायद आपने प्रश्न नहीं देखे इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, एक बार हम 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फिर हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 की बात कहा था, क्या श्वेत प्रकाश वर्णक्रम का भाग नहीं है। देखिए नीला आपको मिलेगा, नारंगी मिलेगा, बैगनी मिलेगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसमें जामुनी नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगला आपके सामने है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, निम्नलिखित में से क्या कोशिका में नहीं पाया जाता। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट संबंध अगर कोई जानकारी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, एज ए गेस्ट के रूप में मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने बचे हुए समय में से पढ़ा देता हूँ। ये मेरे द्वारा क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है, देश हित में राष्ट्रहित में है। कोशिका में नहीं पाया जाता, ध्यान रहे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कोशिका में राजधानी मिलती है, लाइजोसोम है, गाल्जी पर है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं है। देखिए जालिका, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड, जुद्रब आदि मिलता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता। यह नर जनन हार्मोन्स है जो मनुष्य के वृषण में मिलता है, ठीक है। और लाइजोसोम के बारे में एक लाइन बता दूं, शायद आप लोग जानते होंगे, लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग्स कहते हैं इसे, समझ में आया सबको। अगला, मानव शरीर में अधिकांशतः क्या होता है। देखिए इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी का समावेशन है इस 50 प्रश्नों की सीरीज में। ये आज का आखिरी सवाल है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, सबसे ज्यादा जल होता है, कितना प्रतिशत होता है कमेंट करके बताइएगा। प्रोटीन लगभग 15% होता है, ठीक। मानव शरीर में अधिकांशतः लगभग 65% जल होता है। जीव द्रव्य का अगर देखा जाए, जीव द्रव्य का 75% जल का भाग होता है, जल का भाग होता है। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन शरीर के जो मसल है उसमें के लिए ज्यादा उत्तरदायी होता है, मसल्स के लिए।
यह आज की आखिरी सवाल है। डेली क्लास के लिए आप सभी लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश से। मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है कि मैं आप सभी के लिए एकल विषय की 6 घंटे की मैराथन सीरीज लेकर आना चाह रहा हूँ, एकल विषय, जहाँ पर विस्तृत व्याख्या हम आपके सामने लाइव आकर करना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी देखें कि प्रायः होता है कि सर को कुछ आता होता भी नहीं है का, तो हम आपके सामने आकर एक एक विषयवार की संपूर्ण विस्तृत व्याख्या करना चाहते हैं और ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो जितने लोग तैयार हैं, देखिए जो व्यक्तिगत सवाल है मेरे व्यक्तिगत नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर आज आपको शेयर कर दे रहा हूँ, कॉल मत करिएगा, कॉल करने से बचिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9506701777, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, इस पर आप बहुत जरूर रहेगा तो टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, खाली समय मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। हर तरह के प्रश्न बैंक की सीरीज मेरे पास आपके लिए है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बाकी सभी क्लास की नोट आपको टेलीग्राम पर है, बस आप लोग इतना सपोर्ट करिएगा, वीडियो को अपने 10-10 साथियों को डेली शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा डेली क्लास के बारे में, क्लास कब से कब चलती है, क्योंकि अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है और एक एक कर इन भर्तियों में अपना पद रिजर्व करना है। लेकिन कब, जब आप मेहनत करेंगे तब, कहने से मेरे नहीं होगा, केवल कहने से नहीं आपकी मेहनत करने से होगा, और आप मेहनत करने में कभी पीछे मत हटिएगा। ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे सब कुछ है, करंट की भी स्पेशल क्लास आपके लिए आ रही है, मैं जल्द ही आपको अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके परिवार आपके माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों। उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम लोग सभी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और फेसबुक अगर यूजर है लर्निंग विद दुर्गेश का पेज है, मेरा भी पेज है खुद का, दुर्गेश अशोक जायसवाल, ये मेरा पेज व्यक्तिगत है, और बाकी लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का पेज है, उसके माध्यम से भी सूचना आपको हो जाएगी। ठीक है, बाकी किसी सवाल के लिए, अन्य सवाल के लिए संडे स्पेशल लाइव वार्ता में हम आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, करंट की PDF उपलब्ध है, उसकी भी स्पेशल क्लास है, देखिए सबकी स्पेशल क्लास हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, रात रात जग कर मेहनत करते हैं, पढ़ना पड़ता है सब चीजों को, फिर आपके लिए तैयार होता है, हलवा थोड़ी ना। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। के निर्माताओं, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के GS, GK, विविध, समसामयिकी, रजनी आदि के महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पढ़ लिया है, देख लिया है, तो आगे भी बने रहिएगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आपके सिलेक्शन से बढ़कर नहीं होगा। यहाँ पे हम सभी संभावित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। कारण ये है कि जो मैं पढ़ाऊंगा जरूरी नहीं है ये प्रश्न हूबहू आ जाए, लेकिन ये जरूर जरूरी है, इसकी जो व्याख्यात्मक हल होगी, इसके जो चारों विकल्प की व्याख्या होगी, वह आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 50 होगी, लेकिन उस 50 के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उनमें एक विकल्प के प्रश्न के 4 विकल्प को हल करेंगे, उनमें भी व्याख्या करेंगे, तो एक बार में कम से कम आपके 300 सवाल तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस आपके साथ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। पहला प्रश्न आप सभी के सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है।